नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री जी एक्सप्रेस। श्री राम कथा महोत्सव का प्रख्यात संतों ने दीप ज्योति जलाकर किया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री विशेष रूप से ही मौजूद। कोसी कला से मनोज माथुर की रिपोर्ट। गुरुवार को कोसी कला के हरियाणा यूपी से सटे कोटपन गांव के समीप ठाकुर श्री ब्रजभूषण मंदिर पर 26 जनवरी से आयोजित होने वाली श्री राम कथा के उपलक्ष्य में श्री ब्रजभूषण मंदिर से विशाल कलश यात्रा बैंड बाजों के मधुर भजनों के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ प्रारंभ हुई। इस मौके पर कलश यात्रा में प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस को मंदिर के महंत पूज्य मौनी जी महाराज एवं कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी अपने सिर पर लेकर चल रहे। कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर कोटवन गांव के प्रमुख चौराहे गली गलियारों से होते हुए मंदिर पर संपन्न हुई। इस दौरान कोटवन गांव महिलाओं पुरुषों बड़े अभिभाव के साथ कलश का पुष्प वर्षा कर सोजिला स्वागत किया। गगनम गगनाकारा सागरम सागरोपमा, जैसे गगन की उपमा गगन से दी जा सकती है, सागर की उपमा सागर से दी जा सकती है, वैसे ही भगवान राम की उपमा केवल राम से ही दी जा सकती है। राम जैसा आदर्श ना हुआ है ना हो। भगवान राम के चरित्र को देखें, कृष्ण की भूमि पर राम की कथा हो रही है। कृष्ण की लीला अनुकरणीय है, राम का चरित्र अनुकरणीय है। कृष्ण ने जो कहा वो सबको करना चाहिए, जो कृष्ण ने किया वो नहीं करना। 16108 विवाह किए थे, एक से ही महाराज परेशान हो। तो भगवान कृष्ण ने जो किया वो करना नहीं, उन्होंने जो कहा वो करना है। और भगवान राम ने जो किया वो हमें करना है। राम जैसा आदर्श पुत्र नहीं हुआ। पिता ने कल कहा तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, तत्क्षण कह दिया गया नहीं राज्याभिषेक नहीं बनाभिषेक होना है। तो राम जी बन को चले गए तो राम राम बन गए। अगर राम बन को ना जाते तो राम राम ना बन पाते। राम इसलिए राम बन गए कि वो बन को गए। पिता की आज्ञा हुई बन जाना है तो बन को चले गए। उनको कोई बन राज्य मिले इसका कोई प्रसन्नता नहीं थी, और वनवास मिले इसका कोई दुख भी नहीं था। स्थित प्रज्ञ भगवान राम स्थित प्रज्ञ है।